सरों का। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर ने भारत को सराहा, बोले पीएम मोदी पुरस्कार के मजबूत दावेदार। जासूसी मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज किया केस, एफआईआर में अन्य 5 लोगों के भी नाम शामिल। मार्च को सीबीआई के सामने तेजस्वी को होना होगा पेश, एजेंसी ने कोर्ट में कहा नहीं करेंगे गिरफ्तार। अधीर रंजन ने केंद्र पर सरकार पर हमला बोला है, कहा राहुल गांधी का सिर झुकाने की हिम्मत सरकार में नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, कहा 3 साल में पंजाब को पार कर जाएगी असम की जीडीपी। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर पर लगाए गंभीर आरोप, बोली हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। अमृता फडणवीस ने फीमेल डिजाइनर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, बोली उसने मुझे 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की थी। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राजन सालवी के परिवार को एसीबी का नोटिस, 20 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, बोले कब तक देश की जनता को गुमराह करते रहेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बम्बई सरकार का बिजली और परिवहन कर्मियों को तोहफा, सरकार ने कर्मियों का बढ़ाया वेतन। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर किया वार, बोली भारत की हालत पाकिस्तान जैसी, वहां इमरान पर गिरफ्तारी का खतरा। बाल विवाह को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान, बोले अपराधियों का रोना रोने वालों को 11 साल में गर्भवती हो रही बच्चियों की फिक्र नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने की जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की मांग, इलेक्शन कमीशन से जल्द चुनाव कराने को कहा, मई में श्रीनगर जाएंगे विपक्षी नेता। विधानसभा चुनाव से पहले एचडी कुमार स्वामी का बड़ा बयान, बोले किसी को नहीं मिलेगा बहुमत, सिर्फ 70 से 80 सीटों पर फोकस कर रही पार्टी। सीपीआई नेता गोविंदन ने स्वप्ना को भेजा लीगल नोटिस, नोटिस में गोविंदन ने उससे बिना शर्त माफी मांगने और 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की है। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा दाव, मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया पूरा प्लान। अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का पलटवार, बोले लगातार चुनाव हारने से स्वास्थ्य खराब हो गया है। कानपुर के भाजपा नेता गुरविंदर छाबड़ा उर्फ विक्की और उनकी पत्नी ने खाया जहर, दोनों का रिजेंसी हॉस्पिटल में इलाज जारी। कानपुर में मंत्री नंदी ने पकड़ी दवाओं की धांधली, हैलट अस्पताल में दवाओं का रिकॉर्ड मिला, गायब तीमारदारों से बाहर से मंगवाई जाती थी दवाएं।
दिल्ली में एक दूसरा के हुए स्वरा और फहद खान शादी में पहुंचे राहुल गांधी और सीएम केजरीवाल 19 मार्च को बरेली में दावत वलीमा। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी महमूद अली की न्यायिक रिमांड हुई मंजूर। दिल्ली की युवती ने पूर्व एमएलसी पर दर्ज कराया था गैंग रेप का केस। मेरठ में पत्नी और बेटी के हत्यारे पिता का कबूलनामा आया सामने। 12 साल छोटी टीचर से शादी करना चाहता था हत्यारा पिता। दो और बेटियों के मर्डर की भी रची थी साजिश। मेरठ में 2.5 करोड़ के विवाद में पार्टनर ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। प्रॉपर्टी डीलर को गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर। मऊ में 3 शातिर अपराधियों को किया गया जिला बदर। अपराधियों के मोहल्लों में जाकर पुलिस ने बजाया मुनादी और डुगडुगी। उन्नाव में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की हुई मौत। तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी। यूपी में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट। गरज और चमक के साथ बरसेंगे बादल। किसानों को सिंचाई नहीं करने की भी एडवाइजरी जारी। यूपी की जेलों में काबिल बनेंगे कैदी। कोई कैदी ले रहा कंप्यूटर ट्रेनिंग तो कोई बन रहा इलेक्ट्रीशियन। महिलाएं सीख रही ज्वेलरी मेकिंग। मेरठ में 24 वर्षीय युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। 14 फरवरी के बाद लगातार तीसरे व्यक्ति में हुई संक्रमण की पुष्टि। मेरठ में पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी हुआ गिरफ्तार। पैर में गोली लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया बदमाश। पुलिस 2020 से कर रही थी बदमाश की तलाश। हरदोई में पुलिस की वर्दी में आए लुटेरे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के गले से चेन छीनकर हुए फरार। पुलिस लुटेरों को तलाशने में जुटी। लखनऊ में बिजली कर्मियों की 3 दिवसीय हड़ताल पर सरकार सख्त। कहा काम नहीं किया तो जाएगी नौकरी। लखनऊ में टीचर की डांट के बाद छात्रा ने लगाई फांसी। सीसीटीवी में छात्रा को डांटती दिखी टीचर। पिता बोले बेटी प्रताड़ना से मानसिक परेशान हो गई थी। गाजियाबाद के नशा मुक्ति केंद्र में मरीज की पीट पीट कर हुई हत्या। कत्ल करके लाश को केंद्र में बंद करके भागे केंद्र संचालक और उसके साथी। देवरिया के स्कूल में छेड़खानी का आरोपी प्रिंसिपल हुआ निलंबित। प्रिंसिपल ने 5वीं की स्टूडेंट से की थी अश्लील हरकत। गौतम बुद्ध नगर में सुपरवाइजर ने जहर खाकर दी जान। 7 महीने से एडवाइजर को नहीं मिली थी सैलरी। अतीक मुख्तार जैसे माफिया के लिए ऐशगाह बनी यूपी की जेल। 2G 3G जैमर पर भारी पड़ रहे अपराधियों के 5G नेटवर्क। 3600 सीसीटीवी को चकमा दे रहे माफिया। बहराइच में एसपी प्रशांत वर्मा ने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण। अनुशासन बनाए रखने के लिए कराया टेलीवार ड्रिल। बिजनौर के वन रेंज में मिला वयस्क नर हाथी का शव। वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी। मौके का कारण जानने को पीएम को भेजा शव। लखनऊ में पुलिस कर्मियों के साथ मॉल में घूमता मिला कैदी। लखनऊ जेल से बलरामपुर अस्पताल मेडिकल कराने गया था कैदी। मामले में 4 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। फतेहपुर में किशोरी से रेप का आरोपी हुआ गिरफ्तार। 2 साल पहले पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर की थी शर्मनाक घटना।
अलीगढ़ में शुरू हुआ फ्री वाईफाई, स्मार्ट सिटी के तहत दो हॉस्पिटल और बस स्टैंड को किया गया स्मार्ट। भदोई में दो बाइकों में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की हुई मौत, एक की हालत गंभीर, पुलिस के कब्जे में दोनों बाइक। ललितपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक किसान की हुई मौत, हादसे में छह घायल, दो की हालत गंभीर, अनाज बेचकर जा रहे थे किसान। बिजनौर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कर रहे मजदूरी, ईंट उठाकर ले जाते दिखे छात्र, बीएसए बोले जांच के बाद जल्द होगी कार्रवाई। मिर्जापुर में नवरात्रि मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासनिक अमला, डीएम और एसपी ने किया मेला क्षेत्र का भ्रमण, भई सुरक्षा व्यवस्था पर भी हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक, बैठक में सात प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा, बेरोजगारों पर लगे मुकदमे होंगे वापस, लाठीचार्ज को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बड़ा बयान, कहा मेरा मानना है कि जिस पद पे मैं बैठी हूं वो बहुत ही गरिमा का पद है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बड़ा ऐलान, एक महीने के भीतर स्वास्थ्य विभाग को 300 नए डॉक्टर मिलेंगे। धामी सरकार का बड़ा फैसला, गांवों की सूरत बदलने के लिए ग्राम विकास महायोजना, सुनियोजित विकास के लिए नई योजना हुई लॉन्च। उत्तराखंड के रुड़की में मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, आग में आई तीन दुकानें और लाखों का सामान हुआ जलकर राख। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी में जमकर बरसे ओले, सड़कों पर बिछी बर्फ जैसी सफेद चादर, लौटी ठंड। उत्तराखंड के बागेश्वर में बंद मकान के अंदर मिले मां और तीन बच्चों के सड़े गले शव, पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क की नेलांग घाटी में चहलकर्मी करते दिखे हिम तेंदुए, वही बीआरओ के मेजर ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ बवाल, पूर्व विधायक ठुकराल समेत कई को हिरासत में लिया गया। रुड़की के नारसान के पास पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में एक युवक और युवती को आई गंभीर चोटें। अब एक ही शिफ्ट में होंगे उत्तराखंड बोर्ड 12वीं के एग्जाम, सरकार की गाइडलाइंस हुई लागू। देहरादून में 37 लाख टन का अवैध खनन, लगाया 45 करोड़ रुपए के राजस्व का चूना। उत्तराखंड के रुद्रपुर में राम मनोहर मार्केट की अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हुए अरेस्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल का भाई हुआ गिरफ्तार, अपने फ्लैट में अभ्यर्थियों को कराई थी नकल। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के शख्स पर 39 केस दर्ज, इनमें से 13 रेप के मामले, लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बनाता था वीडियो।
इमरान खान पर दो अदालतों ने कसा शिकंजा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा बचना है तो सरेंडर करो, निचली अदालत का अरेस्ट वारंट रद्द करने से इनकार। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान 11 की मौत। फायर फेस्टिवल पर प्रोटेस्ट में 3500 लोग घायल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर छोटे बम भी फेंके। कनाडा से 700 भारतीय छात्र देश भेजे जाएंगे। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा स्टूडेंट्स के वीजा डॉक्यूमेंट्स जाली पाए गए। यूएस की जगह वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है चीन। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने में जुटे जिनपिंग। वहीं सऊदी अरब ईरान एग्रीमेंट भी चीन ही कराया। नेपाल के आसमान में फटा चीन का जासूसी रॉकेट। स्पेस में 3 मिलिट्री सर्विलांस सैटेलाइट छोड़ने के बाद एटमॉस्फेयर में लौटा था। अमेरिकी सेना ने रूसी लड़ाकू विमानों की हरकत की निंदा की। कहा ड्रोन पर ईंधन डाला था और इसी से वो हादसे का शिकार हुआ। भूकंप के बाद तुर्की में आई एक और आफत। बाढ़ से घिरे कई शहर डूब रहे घर और मकान। 5 लोगों की मौत। आतंकवाद को लेकर जीटीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अफगानिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान में ज्यादा हुए आतंकी हमले। इमरान की बड़ी मुश्किलें दर्ज हुई नई एफआईआर। लाहौर में पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मामले में कार्रवाई। फॉक्सकॉन को मिला एप्पल से एयरपोर्ट से बड़ा ऑर्डर। वही कंपनी भारत में बनाएगी प्रोडक्शन प्लांट। 1674 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। 10 ग्राम गोल्ड फिर 68,000 के पार। साल के आखिरी तक 65,000 तक पहुंच सकता है। शशिकांत दास को मिला दुनिया के बेस्ट गवर्नर का अवार्ड। सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई गवर्नर दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा। लेंसकार्ट ने जुटाई 4,000 करोड़ रुपए की फंडिंग। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया। आईपीओ लाने का भी प्लान। बैंकिंग सेक्टर डूबने के डर से गिरा अमेरिकी शेयर मार्केट। डाउन जोस 280 पॉइंट नीचे आया। वही क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर में 24% की गिरावट। टीसीएस के एमडी और सीईओ ने किया रिजाइन। राजेश गोपीनाथन की कंपनी ने के कृतिवासन को बनाया नया सीईओ। क्रेडिट स्विस पर आया संकट। फिलहाल टला स्विस सेंट्रल बैंक की मदद के बाद संभले हालात। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमबीएंस ग्रुप के प्रमोटर को राहत। गिरफ्तारी से छूट की अवधि 4 हफ्ते बढ़ी। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को मिल सकती है सौगात। सरकार 4% बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता। महंगे पेट्रोल और डीजल से मिल सकती है बड़ी राहत। $70 प्रति बैरल के नीचे फिसला कच्चा तेल। अलीम दार ने अंपायरिंग को कहा अलविदा। आईसीसी ने पाकिस्तान के इस अंपायर को किया एलीट पैनल में शामिल। ऑल इंग्लैंड में जॉली और गायत्री ने फिर किया उलटफेर। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 जापानी जोड़ी को हराया। लगातार दूसरे साल क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने आईपीएल को बताया दुनिया की सबसे बेहतरीन फ्रेंचाइजी लीग, कहा मेरा सपना सच हुआ। नेपाल ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए किया क्वालिफाई, यूएई को रोमांचक मैच में मात देकर बनाई जगह। हार्दिक पांड्या का बड़ा बयान, कहा मैं टेस्ट टीम के लिए तब तक उपलब्ध नहीं रहूंगा जब तक मैं टीम में जगह पाने का हकदार नहीं। एलएलसी को लेकर पूर्व पाक दिग्गज शोएब अख्तर का बयान, बोले भारत मुझे बहुत पसंद, मेरा आधार कार्ड भी बन गया है। आईपीएल 2023 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने लॉन्च की नई जर्सी, वीडियो हुआ वायरल। ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू पर जमकर नाचे सुरेश रैना और हरभजन सिंह, वीडियो वायरल। बाबर आजम को आईपीएल नहीं है पसंद, बीबीएल को बताया अपनी पहली पसंद, कहा वहां पर खेलने से काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुजरात ने दिल्ली को हराया रोमांचक मुकाबले में, 11 रन से जीती जॉयंट्स की टीम, प्लेऑफ की आस बरकरार। आलिया भट्ट ने लंदन में सेलिब्रेट किया बर्थडे, रणबीर कपूर सोनी राजदान के साथ शेयर की फोटो। रीना रॉय के साथ तलाक पर बोले मोहसिन खान, कहा मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहता था, शादी के पहले रीना को जानता तक नहीं था। नॉर्वे के फेमस डांस ग्रुप के साथ फिर के सुनील शेट्टी, आंखों में बसे हो तुम गाने पर अलग अंदाज में किया डांस, अहान और आथिया ने दिया रिएक्शन। बेटी न्यासा को ट्रोल किए जाने पर बोले अजय देवगन, कहा ये मुझे बहुत परेशान करता है लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करने की सलाह देता हूं। एआर रहमान ने बताया 2009 में कैसे जीता ऑस्कर, बोले वेस्ट के लोग हमारे गाने सुने, हमें ऐसे गाने बनाने चाहिए, अवार्ड जीतने के लिए एक्सपेरिमेंट है जरूरी। रानी मुखर्जी को लगा बड़ा झटका, फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे रिलीज होते ही ऑनलाइन हुई लीक। कपिल शर्मा की फिल्म जिग्वाटो को ऑडियंस का मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, ट्विटर पर लोग बोले फिल्म ने दिल को छू लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर रामचरण को फैंस ने घेरा, पत्नी उपासना के साथ भीड़ से बचते बचाते निकले एक्टर। जोधा अकबर फेम अमन धालीवाल पर जिम में हुआ जानलेवा हमला, एक्टर ने दिखाए गहरे जख्म। वेडिंग रिसेप्शन पर स्वरा ने अपने दूल्हे फहाद खान के साथ जमकर दिए पोज, सामने आई वेडिंग रिसेप्शन के इनसाइड तस्वीरें। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।